अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर चिल्ड्रन। जीके में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावर्स। हमने फ्लावर्स नेम अपनी कॉपी में लिखा था, है ना, कुछ फ्लावर्स के नेम, रोज, लिली, लोटस, सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, पैंसी, और फिर हमने फ्लावर्स से रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी किया था जिसमें आपको फ्लावर्स नेम फाइंड आउट करना था। तो आज मिस आपके लिए फ्लावर्स से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर सा एक्टिविटी लेकर आई हैं। आज आपको क्या करना है, हनी बी को फ्लावर्स तक पहुंचाना है। हेल्प द बी टू रीच द फ्लावर्स। रीच मीन्स पहुंचना, है ना, बी को फ्लावर्स तक पहुंचाएंगे। ये हनी बी है, अब हम लोग इनको कैसे फ्लावर्स तक पहुंचाएंगे? आपके पास यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए कि फ्लावर कौन है, यहाँ एक फ्लावर दिख रहा है हमें, तो हनी बी को फ्लावर तक पहुँचाइए। ऐसे डॉटेड लाइन बना के हम लोग हनी बी को फ्लावर तक पहुँचाएंगे। अब एक फ्लावर यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मिस देखिए हनी बी को फ्लावर तक पहुँचा रही है। अब भी हनी बी को फ्लावर तक पहुँचाएंगे, है ना, डॉटेड लाइन में बना रही हूँ क्योंकि हनी बी क्या करती है, फ्लाई करती है। तो हमने दो फ्लावर्स तक तो पहुंचा दिया, अब चलिए और फ्लावर ढूंढते हैं। बी और कहाँ जाएगी, बी जाएगी अब इस फ्लावर के पास। और पता है बी फ्लावर्स के पास क्यों जाती है, क्योंकि बी को फ्लावर पसंद है। यहाँ भी एक फ्लावर है और बी फ्लावर्स के पास जाके फ्लावर का रस लेती है और उससे क्या बनाती है, हनी बनाती है। तो देखिए हमने बी को फ्लावर्स तक पहुंचा दिया, अब हमें फ्लावर्स मिल गए हैं, है ना। ये तो एप्पल फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये कैट एक एनिमल है, ये की है ना। अब हमें फ्लावर्स मिल गए, अब चलिए हम लोग इन फ्लावर्स, फ्लावर कैसे होते हैं, सुंदर और कलरफुल। तो हम लोग भी अपने फ्लावर्स को क्या करेंगे, सुंदर बनाएंगे कलर करके। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे कलर करेंगे। हमारे पास है लोटस। लोटस जनरली पिंक कलर का होता है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ पेंसिल कलर। तो आप भी पेंसिल कलर यूज़ करेंगे या नहीं तो क्रेयॉन कलर, आपको स्केच पेन का यूज़ करना नहीं है। चलिए अब हम लोग फ्लावर्स को सुंदर से कलर कर देंगे। तो देखा आपने, मिस ने अपने फ्लावर्स को कलर कर लिया है। आप भी सुंदर से अपने फ्लावर को कलर कर लेंगे, है ना, और ध्यान रखेंगे कि आप कलर किससे करेंगे, पेंसिल कलर या क्रेयॉन कलर, आपको स्केच कलर यूज़ करना नहीं है। और ये वर्क आपको आराम से बैठ के कंप्लीट करना है, हड़बड़ाना नहीं है। और एक बार फिर से आप बैठेंगे तो फ्लावर्स नेम जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको क्या कर लेंगे, स्पेलिंग के साथ रिवाइज कर लेंगे, मीनिंग के साथ।